तो गाइज आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइज आपने अमेजोन पे एप्लीकेशन में गाइज अपना अकाउंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं। जी गाइज अमेजोन पे में यदि गाइज आप भी अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो गाइज अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइज बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि गाइज आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइज आपको अपने मोबाइल में अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर लेना होता है अमेजोन इंडिया। तो यहां पर गाइस मैं यहां पर सर्च कर लेता हूं अमेजोन इंडिया एप्लीकेशन। तो गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। तो सबसे पहले तो गाइस आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होता है। तो गाइस मैंने इस एप्लीकेशन को पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो गाइस मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। ओपन करते ही गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। तो सबसे पहले तो गाइस आपको इसमें अकाउंट क्रिएट कर लेना होता है। तो गाइस मैंने अपना जो अकाउंट है वो यहां पर पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है। फिर गाइस आपको यहां पर नीचे की साइड आना है और यहां पर देखिए गाइस आपको अमेजोन पे का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर गाइस अमेजोन पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे गाइस आप यहाँ पर अमेजोन पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा गाइस। तो यहाँ पर देखिए गाइस अमेजोन पे में हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो इसके लिए गाइस आपको यहाँ पर देखिए गाइस यहाँ पर अमेजोन पे यूपीआई का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इस पर इसमें ही गाइस आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप इस पर क्लिक करते हैं तो गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। तो यहाँ पर गाइस आपको ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो गाइस हमें अपना जो बैंक का नेम है उसे यहाँ पर फिलअप कर देना होता है। तो गाइस मैं अपने बैंक का जो नेम है उसे यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। बैंक का नेम फिलअप करते ही गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। तो यहाँ पर गाइस हमें अपना जो मोबाइल नंबर है उसे वेरीफाई करने को बोलेगा। तो कुछ टाइम के लिए गाइस आपको यहाँ पर वेट करना है, यहाँ पर परमिशन मांगेगा, उन्हें गाइस अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर देखिए गाइस जो हमारा मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है और कुछ टाइम के बाद हमारा गाइस जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। फिर गाइस हमें यहाँ पर देखिए गाइस हमारा जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आपको यहाँ पर देखिए गाइस यूपीआई पिन ऑलरेडी सेट, मीन्स गाइस जो हमारा यूपीआई पिन है वो यहाँ पर ऑलरेडी सेट होकर रखा हुआ है। यदि गाइस आपका यूपीआई पिन पहले से सेट नहीं होगा गाइस तो यहाँ पर गाइस आपको सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन शो करेगा, जिस पर क्लिक करके गाइस अपना जो यूपीआई पिन है वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर गाइस आ जाता है आपको यहाँ पर नीचे की साइड यूज मोबाइल नंबर टू रिसीव मनी फ्रॉम एनीवन। तो यदि गाइस आप ये भी करना चाहते हो तो यहाँ पर गाइस आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। तो यहाँ पर देखिए गाइस आपको यहाँ पर लिमिट शो करेगी, प्लीज नोट यू कैन ट्रांसैक्ट अप टू 5000 फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स। यदि गाइस आप इसे पे को या अमेजोन पे को एक्टिवेट करते हैं तो गाइस 24 आवर के अंदर आप यहाँ पर 5000 ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यदि गाइस 5000 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन आप इसमें 24 आवर्स के अंदर नहीं कर पाएंगे गाइस, तो फिर गाइस आपको टाइम होने के बाद तो आप ज़्यादा भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फिर गाइस आ जाता है यहाँ पर देखिए गाइस यूज मोबाइल नंबर टू रिसीव मनी फ्रॉम एनीवन। यदि गाइस आप किसी भी मोबाइल नंबर पर अपना मनी रिसीव करना चाहते हो तो यहाँ पर गाइस किसी भी यूपीआई आईडी से अपना मनी रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर गाइस मैं यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे गाइस मैं यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा ये स्टेप भी हमारा कंप्लीटली हो जाएगा। फिर गाइस आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो गाइस जो हमारा अमेजोन पे में अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए जो हमारा अमेजोन पे में हमारा जो अकाउंट है वो यहां पर बनकर तैयार हो गया है गाइस। तो यहां पर देखिए जो हमारा अमेजोन पे में हमारा अकाउंट बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद आप यहां से अमेजोन पे से ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी बिजली का बिल भर सकते हैं या फिर गाइस कोई भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं ऑनलाइन अमेजोन पे से। तो इस तरह से गाइस आपने अमेजोन पे में गाइस अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं गाइस। तो उम्मीद करता हूं गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस, ताकि गाइस आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। थैंक यू गाइस।